बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दोनों तेलुगु रियासतों में जोश व खरोश के साथ मनाई गई होली, लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर दी मुबारकबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा में किया तरक्याती कामों का इफ्तिताह, 22 करोड़ 47 लाख रुपए से अंजाम दिए जा रहे हैं तरक्याती काम। हैदराबाद से मोहब्बत करें, व्हाट्सएप पर झूठी खबरें ना फैलाएं, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से की अपील। रुकने असेंबली कौसर मोहियुद्दीन ने एमआरओ के हमराह किया पेंशनपुरा कब्रिस्तान का दौरा, आर्मी की जानिब से 2.5 एकड़ अराजी की बहाली के लिए सर्वे का मुतालबा। पठान चेरो कुतुबशाही मस्जिद की 130 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन से पठान चेरो मुसलमानों के एक वफद ने की मुलाकात। और नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल में बॉम्ब की इत्तला निकली झूठी, जांच के बाद पुलिस कर रही है ईमेल भेजने वाले की तलाश। और अब खबरों की तफसील। रंगों के त्यौहार होली की तकारीब रिवायती जोश व खरोश के साथ दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाई गई। कोरोना वायरस के सबब होली से दूर रहने की बात, अफराद की अपीलों का ऐसा महसूस होता है कि लोगों पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि आज सुबह से ही आवाम ने एक दूसरे पर गुलाल और रंग वाला पानी डालकर होली मनाई और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। हल्के असेंबली बहादुरपुरा के किशनबाग इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मंगल के रोज हल्के असेंबली बहादुरपुरा के किशन बाग वार्ड में 22 करोड़ 47 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान, किशन बाग कारपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा बहादुरपुरा हल्के के तमाम कारपोरेटर्स, अवाम और मजलिसी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवाम ने असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कायदीन की गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया। ये तरक्याती काम किशनबाग वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें पीने के पानी के पाइपलाइन, सीसी रोड की तामीर, बॉक्स टाइप ड्रेन, जीएचएमसी पार्क की कंपाउंड वॉल की तामीर के अलावा दीगर काम शामिल हैं। बादियाजा मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने कहा कि मजलिस अवाम के मसाइल हल करने के लिए हमेशा अवाम के दरमियान रहकर काम करती है और ये तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जितनी आवाम है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, आप इस चैनलों के जरिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप आकर देखिए बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर चल रहा है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, वीडियो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, शादी मुबारक चेक्स और दीगर जितने गवर्नमेंट के स्कीमात है, वो सारे स्कीमात हम आवाम के दरमियान में लेकर आकर आवाम को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा और जो भी काम आ रहेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ रहकर आपका काम करेगी। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर एन रघुवीरा रेड्डी ने सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने वालों को वार्निंग दी है, जिनमें कहा गया है कि वो वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर जोर दिया कि वो इन झूठी खबरों को फैलाते हुए उनकी छवि को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। ఇటువంటి ఎవరైతే రఘువీరారెడ్డి జగన్ పార్టీలో చేరుతున్నాడు అనేటువంటి నిన్న ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సర్క్యులేట్ అవుతా ఉంది. ఎవరైతే దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తారో వెంటనే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలి, అరెస్ట్ చేయాలి.
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने झूठी और परेशान कुन वीडियोस और अफवाहें फैलाने वालों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। रंजनी कुमार ने कहा कि अगर इन वीडियोस को फैलाने से किसी भी तरह की फिरकावाराना कशीदगी होती है तो ऐसे वीडियोस को बनाने और उसको फैलाने के लिए जिम्मेदार तमाम अफराद की निशानदेही की जाएगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि ये वक्त हमें हैदराबाद से हमारी मोहब्बत के इजहार का है। रंजनी कुमार ने से ख्वाहिश की है कि वो शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें और ऐसी ताकतें जो हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की दिए जाने से हसद कर रही हैं कि गलत मंसूबों को नाकाम बना दें। रंजनी कुमार ने ये अपील बाज़ अफराद की जानिब से ऐसे वीडियोस और बाज़ अफराद के ऑडियो पयामात के सामने आने के बाद की है। कारवान रुकने असेंबली कौसर मुहिद्दीन ने गोलकुंडा एमआरओ के हमरा लंगर हाउस के इलाके पेंशनपुरा में वाक़ कब्रस्तान का दौरा करते हुए आर्मी की जानिब से 2.5 एकड़ अराजी की बहाली के लिए जायज़ा लिया। गौरतलब है कि साल 2007 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत और आर्मी की जानिब से एक मुआहदे के तहत कब्रिस्तान के लिए 8 एकड़ ज़मीन देने पर इत्तेफाक किया गया था। ताहम उस वक्त तकरीबन 5.5 एकड़ ज़मीन आर्मी ने कब्रिस्तान के लिए दे दी। मज़ीद 2.5 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान को आर्मी की जानिब से आना है जिसके लिए कई बार नुमाइंदगी की गई है। इस दौरान आर्मी की जानिब से कब्रिस्तान के अतराफ एक बाउंड्री वॉल बना दी गई जिसमें तकरीबन 60 कदीम खबरें भी उस दीवार के पीछे चली गई जिसके लिए दोबारा कौसर मुहिद्दीन की निगरानी में नुमाइंदगी की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ईदगाह कमेटी से मुर्तुजा उर्फ मोंटी भाई ने बताया कि रुकन असेंबली कौसर मुहिद्दीन की नुमाइंदगी और कलेक्टर की हिदायत पर ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट अंदरून 2 दिन कलेक्टर को पेश की जाएगी जिसके बाद कब्रिस्तान को आने वाली 2.5 एकड़ ज़मीन की बहाली के लिए मज़ीद इकदाम किए जाएंगे। तो MLA साहब कलेक्टर साहब से मिलकर सारी तफसील बयान करें तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को अपने मातहत ऑफिसर को MRO गोलकुंडा को सर्वेयर वाला को भिजाएं भिजा के सही पोजीशन क्या है कि देख के आइए। देखने के बाद वो आए, आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करें और मेरे को जमीन की हैयत पूछे तो मैं उनको सारा बता दिया। 2.25 एकड़ जो बाकी है वो कहाँ लिखा हुआ है पूछे, ये सारी चीज़ें मैं उनको दे दिया हूँ, हर चीज़ दे दिया हूँ। तो फिर ये कल 11 बजे मुझे बुलाए हैं, वो बाकी पेपर्स वगैरह जो कुछ हमें देंगे और ये जो कुछ बना हुआ है इस कब्रिस्तान के अंदर, इसके अंदर MP साहब के कुछ 26 लाख से तो कंपाउंड वाल उठी हुई इसके अंदर, फिर MLA साहब के प्रेजेंस में, MLA साहब की निगरानी में, जनाब कौसर मुहिद्दीन साहब की निगरानी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर अगर अवेलेबल है तो, इसके अंदर गुसलखाना बनाया गया, तहारतखाना बनाया गया, वजूखाना बनाया गया, ये सारे और ये बीच में जो सो दीवार उठाई गई ये सारे कौसर मुहिद्दीन साहब की पीरियड में हुआ। पठानचेरों में वाक़ कुतुबशाही मस्जिद की बाज़ाबादकारी और उसके तहत 130 एकड़ अराजी पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़े को हटाने का मुतालबा करते हुए पठानचेरों से एक वफद ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मस्जिद की अराजी से मुतालिक दस्तावेजात वक्फ बोर्ड चेयरमैन को दिखाए और एक मेमोरेंडम भी हवाले किया जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने फौरी हरकत में आते हुए वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को पठानचेरों के लिए रवाना किया और एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने इस मामले में मौजूद अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का तय खून दिया है। मेरा नाम MJ अहमद है, मैं पठानचेरी से आया हूँ। एक खदीम मस्जिद है, 500 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद है, उसकी आबादी के सिलसिले से आया हूँ। इसके मामले से जो है मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2 साल से हमारे जो इंस्पेक्टर है, मोर देन 1 ईयर से जो है हमारे इंस्पेक्टर अब्दुल खादर साहब से मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, लेकिन उन्होंने बोलते डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है बोलते। मस्जिद के तहत कितने एकड़ ज़मीन है जो है, जब हम उसके बारे में हाउस कमेटी रिपोर्ट जब हम पढ़े तो हमारे ज़रा आंखें खुले। उसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रहा है हाउस कमेटी रिपोर्ट में, हाउस कमेटी रिपोर्ट 1997, उसमें क्लियरली रिपोर्ट कर रहा है कि जो है इस मस्जिद के तहत जो है 130 एकड़ ऑफ ज़मीन है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।